कल चल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितंबुजंग तुंग मालिकं दमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद मट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनूतना शिव शिव। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। और भाई अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए रामेश्वरम, एंड यहाँ का सीन कुछ अलग है कि जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उनके साथ ही नहाना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो भाई कपड़े पड़े सकते हैं कुछ गए, बस मेरे को निकालनी है चप्पल। चप्पल यहाँ पर मिलेगी कहाँ इसमें देखना पड़ेगा मेरे को। तो भाई ये पड़ी भाई अपनी चप्पल, ऐसे गाड़ी धोने का मन तो था बट ये बोल रहे कि बाहर बाहर से वॉशिंग के लिए करेंगे, हम अंदर नहीं करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम तो अंदर की है क्योंकि भाई बाहर अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है गाड़ी के अंदर। क्या लेना है मेरे को? मास्क भाई को देना है मास्क। अब एलन मास्क कहाँ आया देखिए भाई कितना बंदा हाल हो रखा गाड़ी में। देखा तो पहले मंदिर के दर्शन करते, पहले नहाते समुद्र में, उसके बाद कुंड है, कुंड में नहाना पड़ेगा, देन उसके बाद दर्शन होंगे। और वहाँ पे भाई फोन अलाउड नहीं है। चलो भाई अभी जाके पहले नहाते हैं, फोटो से करते चेक। चले ब्रो तो भाई सामने देख रहे हो समुद्र, इसमें नहाना है। वैसे सचिन हमें नहाना ही यही था भाई, इसलिए हम गोवा नहीं नहा पाए ना, हम केरला नहा पाए, धनुषकोड़ी नहाना था ना, रामेश्वरम इसके दर्शन कर लेते। सर चक्कर में हमें यहाँ तक लेके आए समुद्र में, ये नहाएंगे, देन उसके बाद दर्शन करके वापस आके नहा के कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे हम धनुषकोड़ी। धर दिया वैसे धरना कंधे पे हमने। भाई यहाँ का पानी बहुत ज्यादा साफ है, है ना? दूर से क्लियर दिख रहा है मेरे को। पैदल के लिए जाएंगे भाई। इतने दिए भगवान ने हाथी जैसे पैर दिए, कहाँ किस लिए दिए? तो यहाँ से जो होटल लिया हमने वहां से 200 मीटर पड़ता है मंदिर, बस मतलब 5 मिनट की दूरी पे। तो ये है कुंड जहाँ पे नहाना है आपको, और फिर वहाँ से मंदिर की एंट्री है। फिर तो बेकार, फिर जिंदगी बेकार तेरी, वो हाइट हाइट से डर लगा, पानी से डर लगता है। कैसा आ जाएगा, अभी तो बहुत दूर है। तो भाई यहाँ तो बिना कपड़े के नहा रहे लोग, खूब सारे कपड़े पहन के नहाने पड़ेगा, बिना कपड़े के नहा रहे मीन्स मतलब बिना कपड़े के, मतलब चट्टी में, हाँ मतलब चट्टी वट्टी लुंगी उंगी में नहा रहे हैं ना, मतलब अभी इनका लुंगी का पहनाने के लुंगी से नहीं है ना, ऐसे का सर अजीब सा हुआ फटाफट था। सुबह बगत आना था, टाइम अभी हो चुका है 10:30-11। थोड़ा अलग ही नहा ले सचिन, उधर अलग नहा ले समुद्र पानी वहां से तक तो आई। हाँ मंदिर की एंट्री हो रही ना वहां से। हाँ ठीक है, सब देखने कमर तू बैठ जा, बना लेंगे। तो भाई अब लगाने वाले हैं वहां समुद्र में डुबकी, जैसे कि धूप पड़ने जा
साक्षात भोलेनाथ हैं पधारे, मेरे रग रग में भूले मुझको भूले पुकारे, हम तो भोले के दुलारे दिन भर फूके मैं रुआना, यू सी द सादा छोरा होरा भोले का दीवाना, तेरी लीला अपरंपार प्रभु मेरा कर दे बेड़ा पार, प्रभु मुझे मुक्त ला दे मुक्ति दे कर सबका उद्धार, प्रभु तू मेरा है भोले मैं तेरा हूँ भोले, मुझे बचा ले तू अभी उठा ले तू नत्ता ने दिल मेरा मुझे बुला ले तू, डमरू बाजे डम 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 हाथ उठा कर बम बम बम, 100 रुपए जी टिकट 25 मंदिर का जाएगा ठीक है ना, हम लोगो यूनियन वाला है। हाँ यूनियन से 100 रुपए बोल रहे हैं, 100 रुपए पर पर्सन, 100 रुपए कर लो ना है ना, कर लो 100 रुपए ठीक है भाई। अपन नहा लिए और अब जा रहे हैं कुंड के दर्शन के लिए। वैसे बाकी जगहों से यहाँ पे समुद्र बहुत ज़्यादा शांत है, एक भी वेव नहीं उठ रही यहाँ पे। बाकी इन्होंने बोला है कि भाई 150 रुपये बोल रहे थे पर पर्सन, अभी बोले 100 रुपये दिए हैं और 100 रुपये में मान गया है कि कुंड के दर्शन करवाए आधे घंटे में एंट्री VIP एंट्री से। तो वैसे तो काफ़ी भीड़ है, मुझे लगा सुबह की इतनी भीड़ नहीं होगी, जिस हिसाब से हम आए थे उस टाइम क्राउड नहीं लग रहा था रात को, बट अभी क्राउड बहुत ज़्यादा है। बट अदरवाइज यहाँ पे नॉर्थ के बंदे बहुत कम है, अपना साउथ की ज़्यादा है। हाँ तो चलो, आँखों में थोड़ी जलन होने लगी क्योंकि समुद्र पानी से आया ना, फर्स्ट टाइम आया हूँ जब से घर से निकला हूँ, आने बस पैर रखे वापस निकल गया गाड़ी से। कैसा हाल हो रहा है सचिन भाई? मजे आ गए, मजा आ गया ना, आँखों में जलन होगी मेरे को। अरे वो तो होती है, साउथ की तरफ होता है, पर जगह अच्छी है, जगह अच्छी है, एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, मस्ट विजिट है ना। देख हमारे लिए कुछ कहना है वीरे, चला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबित अंबुजंग तुंग मालिकं दमट्ट मट्ट मट्ट मन्निना दमट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनूतन शिव शिवं 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 शिवं। क्या वो लगी पैर में भाई? अंदर से मंदिर ही है भाई। फोन और ये कपड़े लॉकर में रख दिए थे, बाकी बहुत अच्छे से दर्शन हुए आराम से, कोई क्राउड नहीं था, 5 मिनट लगे दर्शन होने में और मंदिर के दर्शन करा दो आपको। पीछे मंदिर है, 22 कुंड थे नहाए और जब गए थे जब धूप थी, और अब देखो मौसम। तो मज़ा आ गया यार दर्शन करके, 12 में से मेरा पहला ज्योतिर ले गया, बस उम्मीद है कि वो 11 भी बचे वो भी हो जाए और जल्दी करेंगे उनको कंप्लीट। तेरे रह गए 10, मेरे रह गए 11 और भाई तेरे कितने रह गए? 5 रह गए भाई के, भाई ने साफ कंप्लीट कर लिया। बारिश आ गई, चलो गाइस बारिश बहुत तेज आ रही है। भाई बारिश हो गई तेज, सचिन धनुष कोड़ी की जो घूमने की वो थी ना, जो कह रहा था सुबह से गर्मी में मर रहे हैं वो खत्म हो गई भाई, महाराज ने ठंडे कर दिए हैं बिल्कुल। सुन दर्शन से पहले नहा दिए, बड़े खुश होगा मैं देख के यार, के पास ओट पर आया यार, पूरा बहुत ठंडा लग रहा है एकदम भाई। अब मत भेजा देख महाराज नहा लिए, महाराज 21 कुंड में नहाए और थोड़े ना पास, मैं कहता हूँ 21 कुंड में नहा लिए और एक समुंदर में ला के और एक अब कर दिया महाराज ने छोड़ देना है। 22 कुंड है अब तो निकल लेने, खड़े हो ले चढ़ को पकड़ दूं, पर अब ठंडे कर दिए वैसे, कह रहे ना सारे के सारे खुल गया भाई मौसम तो खुल गया, पैर जड़ गए पैर जड़ गए। वाह वाह महाराज कर दिया ना साथ के साथ, तो भाई बहुत अच्छे हुए है। इनको तो सुनाई नहीं दे रहे क्लास की, तो ऊपर वाले ने सुन ली, थोड़े से पैर गर्म हुए, बहुत मतलब गर्मी पड़ रही थी ना, तो चप्पल गाड़ के निकल के गए थे लॉकर के पास, तो भाई अरे वाह महाराज वाह, जूता मत ही दे रहे हैं इधर है, बहुत लगे जूता मत भेज भी ये फायदा है भाई इस वाले कैमरे का कि गीला नहीं होगा खराब नहीं होता, बारिश में कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो।
कैमरा उतना तो उसको दुकाना या उसको रखना बहुत भारी काम करता है। सामने मंदिर सामने धनुषकोटी, अब देखो कितना साफ हो गया समुंदर। पहले थोड़ा आया था, थोड़ा धूल धूल थी। लोकल ट्रिप आता हूँ से देख लो, दूर अपना कार से देख लो, अपने कार से देखेगा। अभी क्या बोल रहा है ना, लोकल ट्रिप में ना पार्किंग के 500 रुपये हो गया, ऑटो में जाना खाली 300 रुपया, डीजल डालना अपना का एक्स्ट्रा पैसा हो गया, दूर वाला अपना का 50 रुपये अनुमान, जैसे ना पार्किंग का 50-50 रुपया है। ओके 50 रुपया देखते भी दूर आ गए है ना भाई। नंबरदार जाना तो नहीं, अब श्रीलंका दूर नहीं पर कितना ही पड़ता है, बस 500 रुपए पार्किंग दे देंगे, गाड़ी उत्तर आएगी कि गाड़ी कह देंगे अब ना जाऊं।